मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी चादर नहीं बिछी हुई है तो गद्दे ऐसे ही पड़े हुए हैं। वैसे भी यहाँ पे मैं सोता नहीं हूँ, तो चलो अभी मैंने कैमरा का जो बैटरी है मैंने वो चार्जिंग पे लगा दिया है। मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हूँ, 11:30 देर से रात को सोया था, कुछ काम कर रहा था। और अभी मैं और सैफ जा रहे हैं एक बाइक का टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, क्योंकि सैफ ने जो है अपनी R15 बेच दी है और कुछ नया आ रहा है घर में, तो सैफ ले रहा है तो हम ले रहे हैं। एक ही बात है, घर की गाड़ी है, तो जा रहे हैं बाराबंकी एक बाइक की टेस्ट राइड लेने के लिए। और आज आप हमारे साथ साथ चलिए और देखिए हम कौन सी बाइक की टेस्ट राइड ले रहे हैं, क्या माहौल है, क्या कर रहे हैं पूरा दिन में। चलो साथ में चलो, अभी तो फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, बाकी पार्ट कैमरा से शूट होगा। मैंने सैफ को उसके घर से पिक कर लिया है। सैफ भाई हेलो हेलो, तो इसको ही बाइक लेनी है, तो अभी बता दें इनको कौन सी लेनी है। अभी नहीं बताएंगे, मतलब इसी व्लॉग में पता चल जाएगा कि कौन सी लेने जा रही है, क्योंकि टेस्ट राइड ऑब्वियसली उसी करेंगे। तो शोरूम चल के बताता हूँ आपको कि ये पहले कौन सी लेने वाला था, अभी मैंने कौन सी सजेस्ट करी है और कौन सी। सिर्फ दो ही बाइक्स हैं उस लिस्ट में, सिर्फ दो ही बाइक हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, चला के देखेगा उसको जो समझ में आएगी वो ले लेगा। तो यहाँ से वी आर गोइंग टू बाराबंकी, जो कि 30-35 किलोमीटर होगा, वहाँ जाके एक बाइक का शोरूम है और वहाँ टेस्ट राइड लेंगे, तब आपको पूरी बैठ के पूरी कहानी समझाएंगे। अभी भी ये फ़ोन से व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा बैग में रखा हुआ है और बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो मैंने वाटरप्रूफ कवर लगा दिया है। और ये है अपनी द्वीपिन, चलो मिलते हैं बाराबंकी में। तो हम बाराबंकी जा रहे थे एज यू गाइस नो, बट अभी बाराबंकी से कॉल आया कि वो हमें टेस्ट राइड नहीं दे पाएंगे, तो हम जा रहे हैं आलमबाग, जो कि लखनऊ में है। आलमबाग में अभी मैंने बता दिया इनको कौन सा शोरूम जा रहे हैं। चलो हम जा रहे हैं एक शोरूम में जहाँ पे टेस्ट राइड मिलने वाली है, तो आलमबाग। हाँ टेस्ट राइड देखेंगे, आप अभी जाके पता ही चल जाएगा। और हमारे साथ में ज्वाइन करा है दानिश भाई ने, तो चलते हैं यहाँ से सीधा आलमबाग और आलमबाग में जाके टेस्ट राइड लेते हैं। तो वी आर फाइनली एट रॉयल इनफील्ड शोरूम, तो मैं बता देता हूँ रॉयल इनफील्ड पे हैं हम लोग अभी, और दानिश भाई और सैफ के साथ। तो मैं बताता हूँ कि आपको हम लोग बाइक कौन सी लेने आए हैं, तो सैफ से पूछते हैं पहले बाइक कौन सी है। भाई ये बताओ ऑडियंस को हमारी, इसमें देखना है उसमें नहीं, ठीक है इसमें देखना। ये बताना कि तुम कौन सी बाइक लेने आए हो, मतलब कौन सी बाइक का टेस्ट राइड ले रहे हो। हिमालयन BS6 विद ट्रिपर, वो फर्स्ट सीधा क्या होता है। और दूसरी कौन सी बाइक है जो कंसिडर कर रहे हो। साइड में ये KTM का, तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। पहले ये KTM ड्यूक 250 के लिए जा रहा था, तो मैंने और इससे मेरी एक्सपल्स फॉर सम रीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा भाई एक्सपल्स तो मत लो, क्योंकि 19 हॉर्स पावर ऑलरेडी चला चुके हो, दोबारा 18-19 हॉर्स पावर की एक्सपल्स उस पर आने का फ़ायदा नहीं। मैंने कहा भाई हिमालयन चला के देख लो, और इसको हिमालयन के लिए ऑलमोस्ट ये भाई 90% कन्विंस हो चुके हो ना। हाँ अभी चला के देखते हैं। 90% ये कन्विंस हो चुके हैं, अभी ये टेस्ट राइड लेने जा रहा है। और वैसे यार दोनों ड्यूक 250 भी अच्छी गाड़ी है, हिमालयन भी अच्छी गाड़ी है अपनी अपनी जगह, लेकिन मैंने कहा भाई तुम्हें जिस गाड़ी पर बैठ के कनेक्शन फील हो जाए ना गाड़ी से, बस वो उठा लो। तो इसीलिए हम लोग टेस्ट राइड लेने आए हैं आज, और शहनवाज भाई अपने टेस्ट राइड लेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि ले लें हिमालयन, तो फिर भाई ये कि चीयर्स टू दी ADV लाइफ। ये है कि KTM 390 है भाई, ये 390 वालों की इज्जत करता हूँ मैं। देखिए नहीं, 250 अच्छी गाड़ी है वो बात नहीं है, बट भाई मैं एडवेंचर सेगमेंट का हूँ तो मैं सबको एडवेंचर। भाई एक बार SUV आपके मुंह लग जाए तो आप सेडान पे नहीं जाओगे, दैट इज़ द सेम थिंग विद हिमालयन। कि हिमालयन कह लो एक तरह से SUV है, सफारी है, नहीं सफारी एक्सपल्स है, हिमालयन फॉर्च्यूनर है, एंडेवर 3.26 ऑटो। लेते हैं भाई टेस्ट राइड, लेते हैं आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भाई कुछ और एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है। नहीं नहीं भाई अभी चला के देखेंगे फिर बताऊंगा, चला के देखेंगे फिर बताऊंगा। एक काम करेंगे, इसका एक्सपीरियंस मैं आपको तब शेयर करवाऊंगा जब ये ड्यूक और हिमालयन दोनों चला लेगा। और मेरी बात है मत कहना कि अगर मैं ड्यूक 250 ले लूँ तो अली को बुरा लगेगा या नहीं, बुरा लगे लेकिन जो मुझे सही लगेगा, जो तुम्हें सही लगेगा भाई बताना। हम दोनों तो अपना अपना पक्ष के वो ले, जब मैं लेने जा रहा हूँ तुम्हें जो दिल में आया ना भाई, जेन्युइन जो चीज़ होगी ना, जो मन में आया वो कैमरा पे बताना, और वो भाई बाकी टाइम तुम्हारे पास अभी है। 3 मिनट ये लो।
हिमालय में तो कई कलर आते हैं, ग्रेनाइट ब्लैक जो अभी आपने चलाया था वो कलर था। तो अभी वी आर डन विद द टेस्ट राइड ऑफ द हिमालयन एंड यहाँ पे हम पता कर रहे हैं बिकॉज बाइक फाइनेंस करवानी है, तो हम पता कर रहे हैं कौन से कलर का क्या अवेलेबिलिटी है बिकॉज वेटिंग चल रही है 3 महीने की और क्या प्राइस पड़ रहा है, ईएमआई वगैरह सब कुछ पूछ के तो अभी हम लोग वो पता कर रहे हैं और इसके बाद विल गो टू द केटीएम शोरूम। ग्रेवल ग्रे लेंगे है ना सर, तो आपको मिलेगी ये गाड़ी 256,211 की। आए थे KTM के शोरूम पे, बट अनफॉर्चुनेटली जो है हमारी ड्यूक 250 की टेस्ट राइड नहीं हो पाई और उसका रीज़न ये है कि कोई DNF टूल होता है इनका जो कि इनके पास नहीं है और ड्यूक 250 की टेस्ट राइड आज नहीं हो पाई। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, वैसे तो हमारा ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स है अपने घर से। दोबारा क्या है मंडे को आने के लिए, अब देखिए सैफ मंडे को दोबारा आता है कि नहीं आता है, मुझे लग तो नहीं रहा है कि दोबारा आएंगे। आएंगे लग नहीं रहा, मुझे भी अभी मान लग रहा है लेनी पड़ेगी भाई, इतना दूर आना सही आता है सबसे बड़ी बात ये है। या तो फिर राइट ले ली, या तो फिर तुम्हें नीरज भाई वाली बाइक की टेस्ट राइड करवाए, दोनों गाड़ी ऑन स्पॉट तुम्हें वहीं मिल जाएंगी, वो भी अच्छी हुई रवा हुई गाड़ी है। हाँ ये नहीं कि नई नहीं रवा हो चुकी है गाड़ी है और हिमालयन की, दोनों चला के देख लेना भाई। तो यहाँ से मुझे जाना है हीरो के शोरूम पे जो कि आगे है RS हीरो मोटोकॉर्प, और वहाँ से मुझे अपनी बाइक के कुछ पेपर्स हैं वो उठाने हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है भाई। GLS ओफो GLS भाई, लखनऊ में GLS चल रही है टैक्सी में, वो भी क्या बात है, क्योंकि अब इधर आ ही गए हैं इतनी दूर, क्योंकि अब इतनी दूर अगर आ गए हैं तो वो बाइक का जो काम है वो भी कर लूँ, बिकॉज दोबारा से फर्ज करके 30 किलोमीटर आना कैन समटाइम्स बी अ टास्क, और वो भी इतनी ट्रैफिक में। अभी तो व्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी तो व्लॉग थोड़ा सा और बचा है भाई, बहुत गंदी हो गई है भाई। मैं घर आ चुका हूँ और अभी वक्त हो रहा है 8 रात के 8 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया हम लोग को, थोड़ा काम था, हमने बाइक धुलवाई और पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आई गेस दिस इज इट फॉर द व्लॉग, और अगर आपको फॉर एनी रीज़न ये व्लॉग पसंद आया हो, आपने एंजॉय कराओ, तो डू इट द लाइक बटन और थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन आए अंदर से, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते हैं लाइक्स के, सब्सक्राइबर्स के, कमेंट्स के, वो देख के अंदर से मोटिवेशन आता है और मन करता है वीडियोज़ बनाने का। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे, और आपसे हम मिलते हैं अपने अगले किसी व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड राइड रिस्पॉन्सिबली।